लास्ट सैटरडे आवेश किंग ऑफ हार्डकोर ने अटैक किया राहुल पर। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आवेश को जरूरत पड़ गई राहुल पर अटैक करने की। HWE में लास्ट 10 महीनों से, पिछले 10 महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, एक रेसलर जो राजस्थान गंगानगर से आता है, मथुरा में HWE ज्वाइन करता है, मेहनत करता है और अपने आप को तराशते हुए ऊपर आ रहा है। एक रेसलर जो रेसलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करना चाहता है, और मुझे गलत मत समझना, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रियली रिस्पेक्ट दिस किड, बट हियर इज द थिंग, इफ यू वांट टू डू और एकम्प्लिश एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड, यू हैव टू गो थ्रू मी। अगर इस रेसलिंग की दुनिया में, इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग में, अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है, अपने आप को साबित करना है, तो आपको आवेश किंग ऑफ हार्डकोर से होकर गुजरना पड़ेगा। राहुल, मैं मानता हूं कि तुम एक बहुत ही अच्छे रेसलर हो, एक तराशते हुए हीरे हो, डायमंड हो इस बिजनेस के, लेकिन तुम तब तक कुछ नहीं बन सकते जब तक तुम अपने आप को आवेश को साबित ना कर सको। 20 फरवरी को कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, मोहनिया सिटी में, जगजीवन स्टेडियम में, बिहार, शाम 5 बजे से, राहुल गेट रेडी, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू किक योर एस एंड आई एम गोइंग टू बर्न यू डाउन। या तो इस मैच के बाद तू ऊपर उठेगा, या इस मैच के बाद लोग हमेशा हमेशा के लिए तेरा नाम भूल जाएंगे। ये मेरा वादा है।